एक ऐसा मंत्र जिससे धन भी आएगा और सुख भी। धन के साथ एक परेशानी है, वह आपको सुख लेने से रोकता है। धन से सुख कैसे लिया जाए, इसे बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। उससे पहले तो यह समझने की ज़रूरत है कि सुख क्या है। आइए समझते हैं कहानी के जरिए। एक धनी व्यक्ति का बेटा बड़ा निकम्मा निकल गया। मेहनत करना उसके बस का नहीं था, कमाने धमाने में जरा भी ध्यान नहीं लगाता था। वह बाप के साथ इतनी दौलत थी तो मैं क्यों मेहनत करूं, मौज मस्ती करूं, बस यही सोचकर दिन भर घूमता रहता था। बेटे की इस आदत से पिता बड़ा दुखी रहता। ऐसे में कोई भी पिता चिंतित होगा ही। पिता ने भी बेटे की अकल ठिकाने लगाने की ठान ली। पिता ने एक शाम कड़क आवाज़ में बेटे को आदेश सुनाया कि आज कुछ अपनी मेहनत से कमा कर लाओ, नहीं लाए तो आज शाम को खाना नहीं मिलेगा। भोजन चाहिए तो जाओ, पहले कुछ कमा कर लाओ। अब लड़का तो जैसा वैसा ही था, काम धाम से क्या कर लेना देना। लेकिन पिता ने फरमान ऐसा सुना दिया कि उसे होश उड़ गए। वह अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। बेटे को रोता देखकर माँ व्याकुल हो गई। बेटा भूखा न रहे इसके लिए माँ ने अपने पास से 1 रुपया चुपके से उसे दे दिया। वह रुपया लेकर अपने पिता के पास पहुँचा। पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पता है ना, कमाओगे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। लड़के ने जेब से माँ का दिया हुआ 1 रुपये का सिक्का निकाला और पिता को थमा दिया। पिता को आश्चर्य हुआ कि इस आलसी ने पैसे कैसे कमा लिए, शरीर पर थकान के कोई लक्षण दिखते नहीं, फिर ऐसा पैसा कमाया कैसे? पिता ने जानकारी लेने के लिए कहा, जा इस सिक्के को कुएं में फेंका और खाना ले। लड़का फुर्ती से भागा और पिता की आज्ञा पूरी कर दी। पिता का शक पक्का हो गया कि इसने पैसा कमाया नहीं, कहीं से उड़ा लाया है। जरा सा कड़क होकर पूछा तो उसने सारी बात बता दी। बस उसकी माँ को पिता ने मायके भिजवा दिया। अगले दिन पिता ने लड़के को फिर बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, तभी आज शाम को खाना मिलेगा। माँ तो घर में है नहीं, अब क्या किया जाए। लड़का अपनी बहन के पास जाकर उसी तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। बहन को तरस आ गया। उसने अपने पास पड़े रुपयों में से थोड़ा रुपये सिक्के भाई को दे दिए। पिता ने रात को फिर मांगा कि जो कमाया है आज वह मेरे हाथ में रखो। उसने पिता के हाथ में वह सिक्के रख दिए। पिता ने फिर कहा, जाओ इसे भी कुएं में डालाओ। उसने सिक्के को कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता जान गए कि आज हो न हो उसने अपनी बहन के पास से पैसे लिए हैं। उन्होंने अगले ही दिन बेटी को भी उसके ससुराल भेज दिया और लड़के को वही हुक्म सुना दिया, रोटी चाहिए तो कुछ कमा कर ले आओ। लड़का परेशान हो गया, अब किसके आगे रोए गिड़गिड़ाए और कहाँ से पैसे मांगे। हार कर वह बाजार में शाम के समय मजदूरी ढूंढने लगा। कई जगह भटकने पर आखिरकार एक आड़ती ने उसे कुछ बोझ उठाकर गाड़ी में डालने को कहा। उसने काम कर दिया तो बदले में उसे 4 आने मिले। जिसने कभी काम न किया हो वह अचानक इतनी मेहनत करने लगा, उससे उसकी कमर लचक गई, पसीने से नहा गया, पर मेहनत की चवन्नी लेकर घर की ओर चल पड़ा। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने कुछ कमाई की या आज भी कहीं से मांग लाए? लड़के ने जेब से चवन्नी निकाल कर पिता को दिखाई। पिता ने कहा, इसे भी कुएं में फेंक दो। यह सुनते ही लड़का गुस्से में आ गया, उसे कमाने में मेरी कमर लचक गई, चला फिरा नहीं जा रहा है और आप कहते हैं कि इस चवन्नी को कुएं में फेंक दूं? मैं नहीं फेंक रहा। पिता ने लड़के को सीख दी कि बेटा, मेहनत की कमाई का दर्द कैसा होता है। बेटा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि धन की क्या कीमत होती है। उसे ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे तो एक दिन फकत होने की नौबत आ जाएगी। तुम्हें उसकी कीमत समझाने के लिए यह सब किया। पिता ने लड़के की पीठ थपथपाई और छाती से लगा लिया। बस उसका बेटा उसके कारोबार का उत्तराधिकारी बनने योग्य हो गया था। लक्ष्मी चंचला है, वह उसके पास ही टिकती है जो उन्हें परिश्रम से अर्जित करता है और सदुपयोग करता है। धन जीवन में आवश्यक है, लेकिन उसका आनंद वही ले सकता है जो सदुपयोग कर सके। धन की लालसा की कोई सीमा नहीं, पर उसके पीछे भागते रहने में जीवन निकल जाता है। आज
दो कमरों का छोटा मकान चाहिए, यही कामना है। जैसे ही वह पूरा होता है, मन में आने लगता है कि दो कमरे में क्या होगा, दो मंजिला कम से कम होना चाहिए। अगला लक्ष्य तैयार है और यह लक्ष्य हमेशा आपसे आगे भागता जाएगा। और क्यों जोड़ रहे हो इतना, करेंगे क्या? अमीर से अमीर आदमी जिसके 100 घर होते हैं, वह भी जीवन के अंत में एक बिस्तर पर ही मरता है, या मरने से पहले उसे हर घर में कुछ देर लाया जाता है। सारी दुनिया को जीतने निकला सिकंदर रास्ते में मर गया था, घर भी नहीं लौट पाया। जब युद्ध पर निकल रहा था तो पत्नी ने समझाया था कि आप दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सुखी, संपन्न राज्य के राजा हो, क्या कर लोगे दूसरे राज्यों को जीतकर? वे तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं, फिर क्यों उनमें सर खपाने जा रहे हो? ऐसे सवाल अंतरात्मा पूछती है। बहुत से लोग दिख जाएंगे जो बेहताश, ठगी, हेर फेर कर रहे हैं। अंतरात्मा के प्रश्न के उत्तर में एक ही बात कहेंगे, यह सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य ठीक कर रहे हैं, उन्हें कोई कमी न हो पाए। एक और प्रकार के लोग भी दिख जाएंगे जो एक एक दांत से पकड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पर भी कहीं चवन्नी अठन्नी खर्च नहीं करते, स्वयं पर भी नहीं, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। अंतरात्मा के पूछने पर ऐसे लोग भी यही कहेंगे कि बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए रख रहे हैं, परिवार के लिए जमा कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है, आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? आलसी जो यह सोचे कि पिता ने इतना बना रखा है, अब क्या करना है? या फिर मक्कार जो यह देखते बड़ा हो रहा है कि धन अर्जित करने की वस्तु है, चाहे जैसे भी करो, उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता, इससे ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करना चाहिए। आपको अपनी संतान की क्षमता पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने उसे सच में अच्छा बनाने पर कोई निवेश नहीं किया है। वह परिश्रमी और सद्गुणों से युक्त हो, इसके लिए कोई परिश्रम आपने किया ही नहीं, उसे धन से ढकना चाह रहे हैं। क्या यह सोच उचित है? यह मूर्खता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे गुणों का विकास करिए, ताकि वे अपने दम पर अपनी मेहनत से अपना नाम कमा सकें। धन से अपनी कमियां ढकिए मत, यह सोचकर मीठा जहर है जो धीमे धीमे काम करता है। बच्चों के सद्गुणों का विकास करिए, यही असली धन है। उन्हें धन का सदुपयोग करना सिखाइए, यह असली बचत है। वे धर्मपूर्वक धनार्जन करने, वृद्धावस्था में आपका उचित पालन कर सके, यह गुण भरिए, यही असली निवेश है। यह नहीं देखेंगे कि मेरे माता पिता, मेरे दादा नाना या परिवार के किसी भी अन्य के लिए कोई खर्च करने को तैयार नहीं होते, उनके लिए कोई उपहार की आवश्यकता पर भी धन नहीं देते, तो वे यही मानकर चलेंगे कि जब अपना परिवार बन जाता है तो घर के अन्य लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब आपके साथ ऐसा होगा, उस समय किस मुंह से कहिएगा कि बच्चे कुछ नहीं करते? उन्होंने देखा ही यही है, सीखा ही यही है कि धन अर्जित करने की चीज़ है। यह बात आपके परिवार के साथ ना हो, पर आपके आसपास जरूर दिखती होगी, आपके परिवार रिश्तेदारों में ही जरूर दिखती होगी। लक्ष्मी अकेली सुख दे रही नहीं सकती, अकेली लक्ष्मी के साथ तो उनकी बहन या दरिद्रा आ जाती है। लक्ष्मी के साथ गणेश आते हैं तब सुख देती है। गणेश मतलब सदुपयोग की सद्बुद्धि। गणेश नहीं आए तो दरिद्रता आनी ही आनी है, जो धन को नष्ट कराएगी। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बाद बहुत सारा धन होता है, लेकिन लक्ष्मी उसे कभी लक्ष्मी सुख नहीं देती है, यह बात सत्य है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धन अर्जित करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि उस धन का सदुपयोग कैसे करें, दूसरों की मदद कैसे करें, और दूसरों की मदद करके अपना अगला जन्म कैसे सुधारें। धन के पीछे कदापि नहीं भागना चाहिए, थोड़ा जितना भी है उसी पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं अच्छा जीवन देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।